आईएमएफ एम की चीफ ने पाकिस्तान को वाजे पैगाम दे दिया टैक्स द रिच अमीरों पर टैक्स लगाओ और गरीबों को मरा दो नो डेट रीस्ट्रक्चरिंग व्हाट वी आर आस्किंग फॉर आर स्टेप्स दैट पाकिस्तान नीड्स टू टू टेक बी एबल टू फंक्शन एस अ कंट्री एंड नॉट टू गेट इनटू A dangerous place where its debt needs to be restructured. Uh, I want to stress that we are emphasizing two things. Number one, tax revenues. Those who can, those that are making good money, public sector, private sector, they need to contribute uh, to the economy. And secondly, to have a um, uh, fairer distribution of the uh, uh, pressures by moving subsidies. Only towards the people who really need it. Uh, it shouldn't be that the wealthy benefit from subsidies. Yeah, is the loud and clear message. पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जो माशी बहरान चल रहा है और पाकिस्तान आईएमएफ के साथ मुजाकर कर रहा है और नाइन्थ प्रोग्राम के अंदर है सेवन बिलियन डॉलर का ये प्रोग्राम है पाकिस्तान को इस कर्ज के हसूल के लिए बहुत मुश्किल दरपेश हैं और पाकिस्तान को आईएमएफ की कंडीशंस इस वक्त पूरी करनी पड़ रही है फ़ुलफिल करनी पड़ रही है और हुकूमत को ना चाहते हुए भी ये अनपॉपुलर डिसीजन लेने पड़ रहे हैं और आप जानते हैं कि हाल ही में नए टैक्सेज लगाए गए हैं पेट्रोल बै की कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं बिजली की कीमतों में इजाफ़ा हो चुका है और मजीद नए टैक्सेस के लिए कौम को तैयार किया जा रहा है महंगाई में पिसी हुई ये कौम पहले ही इस वक्त शदीद माशी बहरान का शिकार है बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो रहा है ऐसे मौके पर आई एम एफ की तरफ से एक वाज पैगाम आया है वो ये कहते हैं कि अमीरों पर टैक्स लगाओ ये जो सब्सिडीज से सिर्फ जो अशराफिया फ़ायदे उठा रही है इसके बजाय आवाम को ये फायदा पहुंचना चाहिए ये नहीं कि गरीब महंगाई की चक्की में पिस्ता चला जाए और अमीर मजीद अमीर से अमीर तर होता चला जाए और सब्सिडीज से फ़ायदा उठाए इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें उसने दो मशवरे दिए हैं आईएमएफ की चीफ ने दो अहम मशवरे दिए हैं कि टैक्स रेवेन्यूज की मद में आप ज्यादा ध्यान दें टैक्स जमा करने पर हुकूमत मुकम्मल तवज्जो दे और उन्होंने कहा है कि जो लोग पैसे बना रहे हैं जो अच्छे पैसे बना रहे हैं चाहे वह पब्लिक सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं उन पर टैक्स ज्यादा लगाओ। जो ज्यादा कमाई कर रहा है वो ज्यादा टैक्स देगा और इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करेगा नंबर टू मरात सिर्फ कम आमदनी वालों और गरीबों को दी जानी चाहिए तो अशराफिया जो कि बहुत ही माइनॉरिटी के अंदर होती है जो रूलिंग लीट है पाकिस्तान के अंदर जो फायदे उठा रही है इन सब्सिडीज से वो फायदे गरीब को मुंतकिल किए जाएं।